जैसे मैंने पहले भी उसके साथ काम किया तो एक वो कंफर्टेबल जोन हो गया है, और काम जब किसी के साथ कर लेते हैं तो हम उसको अच्छे से जान लेते हैं, तो इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई हूँ शाम के साथ की, मतलब बहुत मज़ा आया काम करके। और प्रोड्यूसर ये भी हैं और वो भी हैं, दोनों प्रोड्यूसर हैं, इनका चैनल है, और मुझे बहुत खुशी हुई इनके साथ काम करके। ये बहुत अच्छे इंसान हैं, और गाना तो माशाल्लाह बहुत प्यारा सॉन्ग था, मैंने तो सुनते ही हाँ बोल दिया। इसके साथ ही 4 मिलियन भी आपको क्रॉस कर गया इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स और ब्लू टिक गया, तो उस बात को लेकर कितनी खुशी मिली आपको? बहुत, आई वॉज सो हैप्पी। आज मैं जैसे ही सो के उठी तो मैंने ब्लू टिक देखा, और सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ब्लू टिक है। मुझे लगा कि नहीं नहीं मुझे ऐसी इल्यूजन हो रहा है, ब्लू टिक नहीं हुआ। लेकिन जब सबके मैसेज आने हेलो हेलो, ये मुझे लग रहा है मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन, लोग आए हैं यहाँ पे, इतनी खुशी हो रही है। बहुत ऐसा नहीं है एकदम आ गया ब्लू टिक, बहुत ट्राई हुआ है, बहुत सालों से मैं ट्राई कर रही थी, मैंने बहुत मेहनत की है, सब मेहनत करते हैं ऐसा नहीं है, पर मैं कभी डिप्रेशन में नहीं रही, मेरी जर्नी हमेशा बहुत ब्यूटीफुल रही है, और मैंने हर मोमेंट को इन्जॉय किया है ज़िंदगी के, चाहे वो सैड मोमेंट हो या वो हैपनिंग हो या कोई, जैसे आज है तो आज मैं बहुत खुश हूँ, तो मुझे कभी ऐसी कंप्लेन नहीं है किसी भी चीज़ से। आई वॉज हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई विल बी हैप्पी। मेरी फर्स्ट मीटिंग जब खुशबू से हुई तो हमारे जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं नूर साहब, तो उन्होंने मुझे मुलाकात कराई, तो जैसे मैं खुशबू से मिला तो हम लोग हमारे डायरेक्टर सर साथ ही साथ में इमरान खान, तो पहली मीटिंग के अंदर मैंने उसी वक्त डन किया खुशबू को, मैंने कहा यही चीज़ है फाइनल करते हैं, और इसी के साथ साथ एक हैंडसम बॉय निकलता है गाड़ी से मेरे ताल्लुक अभी बहुत जल्दी कैमरे के आगे आएंगे, इनको आना ही होगा। वसीम अमरोही साहब जो ऑलमोस्ट इतना काम कर चुके हैं इंडस्ट्री में, तो मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, और काफ़ी अरसे से हमारी जान पहचान है, और वसीम भाई जैसे मुलाकात हुई, वसीम भाई ने कहा कि शबाब ये है, मैं कभी ऐसा कर रहा हूँ, तो इसके अंदर इतना मेरे साथ वो जुड़े, और मुझे एक जैसे बड़ा भाई एक राइट हैंड, चले शबाब मैं आपके साथ इस प्रोजेक्ट में हूँ, और किसी बात से इस प्रोजेक्ट को हम आगे लेके चलेंगे। मैं थैंक यू सो मच। तकलीफ तो कुछ नहीं हुई हमें, बस इतना था कि हमें ये था क्या बेस्ट से बेस्ट चीज़ लाए हम करके, तो वहाँ हमें थोड़ा बारिश मिल गई थी, तो ये शूट हमने किया कोकन के अंदर जो रत्नागिरी और गोवा के बीच में आता है, तो हमने वहाँ शूट किया था इसको, तो थोड़ा सा हमें गॉड का गिफ्ट जैसा बोलते हैं अल्लाह का गिफ्ट मिल गया, वहाँ पर बारिश हो गई, इससे 15 दिन वेट करना पड़ा वहाँ पे बारिश के लिए। हमने 15 दिन तो 17 दिन आप पकड़ लीजिए, 2 दिन में शूट किया हमने। देखो ये इसको मैं खान कुमारी बोलता हूँ, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि ये नॉनवेज नहीं खाती, ये खान है, बोलता खान कुमारी, जिसको विश्वास नहीं हुआ उसको ब्लूटूथ हो गया, जब तक मैंने नहीं बताया तेरा ब्लूटूथ हो गया, मैंने सुबह फोन किया उसको मुबारकबाद दी, तो मुझे शाम को आना था, मैं आ गया। मेरा कुछ नहीं है, ये नूर सिद्दीकी जी कास्टिंग डायरेक्टर है, निशांत पिछले गाने में काम किया था मेरे साथ में, वो सिलसिला है, बाकी नूर जी सारे इसके सूत्रधार है, खुशबू बुलाने वाले सब करने वाले। नूर भाई कैसा है आपको कास्टिंग करना चाहिए? क्या बोलो, खुशबू के तो मैं 4 साल जानता हूँ, पहली बार काम मिला है खुशबू के बारे में, खुशबू को सुन लो, खुशबू को मैंने पहला गाना दिलाया है, लेकिन ऐसा गाना दिलाया जो उसको लाइफ टाइम तक याद रहेगा, ये वाला गाना, बिकॉज ऑफ उसका इंस्टाग्राम भी वेरीफाई हुआ है आज के दिन। मैं
अच्छा खुशबू के लिए एक लाइन कहना चाहूँगा मैं, मैंने बहुत बहुत आर्टिस्ट के साथ काम किया है, लेकिन खुशबू को मैंने क्या है ना मेरे सामने क्या है ना ग्रो करते हुए देखा है मैंने, मतलब बहुत मेहनती लड़की है वो, एक बहुत ही महालेखक ने एक बात लिखी है, कुछ ही होते हैं ऐसे लोग जो बूंदों से समंदर बन जाते हैं और जिंदगी से लड़ते लड़ते सिकंदर बन जाते हैं। क्या ये खुशबू है उस टाइप की, बहुत ही मेहनती लड़की है। नूर 4 साल से मेरा दोस्त है, लेकिन मैंने ही कभी इसको बोला नहीं कि मुझे काम करना है, क्योंकि मैं समझती थी कि पता नहीं मैं कैसे बोलूँ कि मुझे काम दिला दो, लेकिन नूर का बड़प्पन है, नूर ने मुझे इनसे इंट्रोडक्शन कराया और इन्होंने मुझे काम दिया, और हमेशा नूर सपोर्टिव रहा, हमेशा दिनेश जी सपोर्टिव रहे, मतलब ये मेरे दो पिलर हैं जो खड़े हैं। और लास्ट सॉन्ग भी इसने किया था, और मेरा छोटा बेटा सुहेल वो मुझे असिस्ट कर रहा है, और बहुत अच्छा कंपोज़र बनेगा इंशाल्लाह, आप इंशाल्लाह। और ये दोनों गाने रमीज़ ने, ये भी प्रोग्रामिंग रमीज़ ने किया है, एंड मिक्स मास्टर भी रमीज़ ने किया है, यानी कि 16 साल की उम्र में ये क्या बोलते हैं यंग टैलेंट क्या, हाँ वो जो है वो चीज़ ये आज 16 साल की उम्र में कर रहा है, जो मिक्स मास्टर बड़े बड़े लोग बड़ी एज में जाके सीखते हैं, ये बस आप लोगों की दुआओं का असर है जो मेरे बेटे ने। आखिर बेटा किसका है? माशाल्लाह। आज सुबह शाम जी का मैंने पहला बार कंपोज किया गाना, क्या कुछ गाना चाहेंगे? फर्स्टली ये सॉन्ग लाइक फर्स्टली मैंने इसके लिए जब म्यूजिक प्रोड्यूस किया सोचा तो डैडी ने टिप्स दी इसको ऐसे डिजाइन करना, तो जैसे कि डैडी ने गाया स्क्रैच के तौर पर, उन्होंने मुझे बताया कि लाइक मैं साउंड यूज करना है नॉल मिक्स एंड ऑल, जब शान भाई की आवाज़ आई इसमें सो आई गॉट टू नो कि लाइक एक सॉन्ग को ग्रो मिल गया। So I have been getting calls from media, from Kaseem and everybody that song is coming and we want to take interviews for team and everything. So all of the sudden we decided that we are doing this press conference, and then I called whole team including Nishant and everybody. Majorly we are here and some of them is behind the camera. So I'm very thankful. But this is 1 hour, and I want to thank Kaseem also. That and we came all want I can thanks see so many camera, so many media. सब लोग पहुँच गए तो बहुत बढ़िया। अच्छा गाना है, आप सब लोग सुनिए और सब लोग रील्स बनाइए, खुशबू को टैग कीजिए, क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल आपने देखा ही है और गाने में तो माशाल्लाह और बहुत अच्छी लग रही है। और अभी तो ये कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे गाने आएंगे, आप सब लोग इसी तरह बने रहे हमारे साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस फॉर ब्यूटिक एंड अच्छा सॉन्ग आया है उसके लिए, और मैंने पिछले इंटरव्यू में कहा था कि बहुत स्पीड में ऊपर जाएंगे, आप देख रहे हो बहुत स्पीड है, बहुत और ऊपर जाएंगे, बाकी दुआएं हैं, इतने प्यारे प्यारे दोस्त मेरे साथ हैं तो बस सब जाएंगे, हम सब जाएंगे। खुशबू हमेशा की तरह बड़ी खूबसूरत दिख रही है, गाना बहुत अच्छा है, म्यूजिक है रमीज साबरी का एंड वसीम भाई इसमें कॉम्पोजिटर हैं, सारी टीम जानी पहचान रही है, बहुत बड़ा अच्छा काम करती है, ये गाना काफ़ी स्पीड से यूट्यूब पर व्यूज पकड़ रहा है, आई एम वेरी हैप्पी। खुशबू इज वेरी ब्यूटीफुल, गुड एक्ट्रेस, गुड गुड एक्टिंग, निशांत इज ऑलवेज अमेजिंग, गुड प्लेयर, ऑन स्क्रीन ऑल स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, ओवरऑल पैकेज। तो हम बातें बात करेंगे कि क्या आगे होने वाला है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये गाना देखा, सो आई थिंक ये गाने को बनने के लिए एक अच्छे लिरिक्स कॉम्पोजिशन सिंगिंग अलग अच्छा ऑडियो अच्छा वीडियो ना बहुत ज़रूरी है, ये कम्प्लीट पूरा पैकेज था। एंड खुशबू ने कितना अच्छा एक्ट किया, वो सुंदर लग रही है ना उनका पूरा उस तरफ से अटायर लोकेशन, एंड बहुत अच्छा मुझे लगा मुझे ना इट्स एक पैकेज कम्प्लीट पैकेज। एंड जैसे कि भाई वसीम जी ने बनाया इनको मिल के, शबाब साबी जी हैं साथ में, शान है इतने बड़े, तो एक जब कम्बाइंड पैकेज मिलता है, अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, पॉजिटिव वाइब आती है, तो एक गाना अच्छा ही बनता है।